हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने ओला का जो हमारा फ्रंट सस्पेंशन है वो चेंज करवा लिया। तो गाइस, जो हमारा 2023 का जो नया सस्पेंशन आ रहा है वो हमारे हमारी गाड़ी में डलवा लिया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि आपने सर कैसे डलवाया और आपने क्या प्रोसेस थी इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप नए इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ओला से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने ओला S1 Pro का हमारा जो 2023 का जो सस्पेंशन हमारी इस ओला S1 Pro में डल चुका है, तो अब मैं बता देता हूं उसको कि वो हमने क्या प्रोसीजर रहा उसका और मेरे ओला S1 Pro का सस्पेंशन कैसे डला। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डला है हमारी गाड़ी में। अब फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाला ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ऐसा हुआ था कि मैंने ओला S1 Pro का अपने फ्रंट सस्पेंशन में एक स्क्रैच या तो क्रैक देखा था। अब वो मुझे नहीं पता था कि वो स्क्रैच है या क्रैक टाइप ऑफ थिंग है, बट मुझे नहीं पता था वो। तो मैंने उसके लिए, जैसे ही मैंने अपने ओला S1 Pro में एक स्क्रैच और क्रैक जो भी था वो मैंने देखा, तो मैंने उसके बारे में कंप्लेन करी फर्स्ट। तो कंप्लेन करने के बाद ओला की तरफ से ये था कि सर हम इसको आके देखेंगे पहले कि स्क्रैच या क्रैक है। तो मैंने वो ओला से कंप्लेन कर दी और ओला के जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने चेक करा तो ये इसमें है ना क्रैक नहीं निकला, ये था एक स्क्रैच। तो क्रैक नहीं था, स्क्रैच था। और उन्होंने बोला था कि जो ये स्क्रैच है ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हो आप इसको, के जो सस्पेंशन है उसमें जो मोल्डिंग रहती है तो मोल्डिंग थी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हो आप इसको, क्योंकि किसी किसी स्कूटर में ओला का ऐसा था कि मोल्डिंग शो हो रही थी। तो मेरे वाले स्कूटर में भी ऐसा ही था कि वो मोल्डिंग शो हो रही थी, बट मैंने उसको पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में उस पर जब देखा तो मुझे लगा कि क्रैक हो गया है। क्योंकि जैसे ही ओला की जो बहुत सारी न्यूज़ आई थी हमारे पास कि यार इसके सस्पेंशन क्रैक हो रहे हैं, तो मैंने भी अपने ओला S1 Pro का सस्पेंशन गौर से देखा, तो जब वो मुझे ऐसे मोल्डिंग में ऐसे स्क्रैच नजर आया दिखा था, उसके बाद मैंने ओला को कंप्लेन करी। और कंप्लेन करने के बाद उनका ऐसा था कि सर ये क्रैक नहीं है, मोल्डिंग में स्क्रैचेस है। तो अब उसके चलते ऐसा हुआ कि दोस्तों मेरी ये गाड़ी में जो जो मोल्डिंग की जो प्रॉब्लम थी ये कंपनी की तरफ से थी, ओला की तरफ से। तो उन्होंने मेरे ओला S1 Pro में जो 2023 का जो सस्पेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाला, क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी सस्पेंशन में, इसीलिए उन्होंने वो मेरी गाड़ी में सस्पेंशन न्यू डाल के गए हैं। और गाइस, लोगों का कमेंट ये भी था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार हमारी गाड़ी में भी हमें फ्री में सस्पेंशन इसे अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी गाड़ी में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक ओला उसको फ्री में रिप्लेस करके नहीं देगा। और जो ये मेरी गाड़ी में जो सस्पेंशन चेंज हुआ है अंडर वारंटी कवर्ड हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ओला में 3 साल की ओला वारंटी देता है, तो ये वारंटी के अंदर मेरा जो ओला S1 Pro का सस्पेंशन है वो कवर्ड हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी स्क्रैचेस काइंड ऑफ थिंग नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में, तो आपकी गाड़ी में नया सस्पेंशन नहीं डलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि यार सर हमारी गाड़ी में डलेगा कि नहीं डलेगा, तो क्योंकि आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर डलेगा, बट अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो सस्पेंशन आपकी गाड़ी में नहीं डलेगा। और मेरी गाड़ी में जो एक प्रॉब्लम थी, ये स्क्रैचेस काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रहे थे, और मैंने सिर्फ अभी ओला S1 Pro हमारी 1400 किलोमीटर चलाई है और 2 महीने ही हुए मुझे ले हुए, तो मेरी ये अंडर वारंटी में था, इसलिए मेरा ओला S1 Pro का न्यू सस्पेंशन इसमें डल गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यू सस्पेंशन है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या पुराने वाले से मजबूत है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओला S1 Pro की जो बिल्ड क्वालिटी है जो नए सस्पेंशन की, वो हाँ पुराने वाले से ये वाली जो उसकी बिल्ड क्वालिटी वो ज़्यादा इंप्रूव करी गई है ओला की तरफ से, और ओला खुद भी बोलता है कि इसको इसने ओला ने इम्प्रूव करा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे सस्पेंशन का एक फर्स्ट लुक के वो कैसा निकल के आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन का लुक कैसा आ रहा है। सो गाइस, देख सकते हैं आप हमारी ओला S1 Pro के सस्पेंशन का लुक कुछ इस तरह आ रहा है। तो जो ये है नया वाला सस्पेंशन हमारी ओला S1 Pro में डाला गया है ओला की तरफ से, तो ये वाला जो डिजाइन है नए ओला S1 Pro के सस्पेंशन का नया डिजाइन है। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि जो नया सस्पेंशन हमारी गाड़ी में डल चुका है, अब ये डलने का रीजन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यार भाई अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके चेंज कर जाएंगे। तो गाइस, अब आपने क्वेश्चन पूछे तो क्या ये पुराने वाले से ज्यादा मजबूत है, मैं आपको बता देता हूँ पुराने वाले से ज्यादा मजबूत है सस्पेंशन, ओला ने भी बोला है। और मुझे भी जब मैंने इसको डलवाया था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये वाला सस्पेंशन उन्होंने हैवी करा है इसका मटेरियल। और अगर आपको जानना है कि ओला S1 Pro में सस्पेंशन क्यों टूट रहे हैं, तो इसके मैंने वीडियो डाल रखा अपने चैनल पे, वो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ओला S1 Pro का अगर हाई स्पीड में 80-90 की स्पीड में अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर या धचके में से निकाल देते हैं तो एक क्रैक की समस्या आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप 80-90 की स्पीड पर अगर किसी भी स्पीड ब्रेकर में निकाल देंगे हम, तो ओला का फ्रंट सस्पेंशन भी क्रैक हो सकता है, चांसेस हैं। देखो ये एक व्हीकल है और अगर आप ऐसे केसेस हो जाते हैं तो ये वाला सस्पेंशन में क्रैक्स आ जाते हैं। और सेकंड जो चीज़ें हैं वो एक्सीडेंट के वजह से ओला के सस्पेंशन सबसे ज़्यादा टूटे हैं, तो एक्सीडेंट का केस हम दूर कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी गाड़ी का तो कार का भी हम एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी उसके अंदर पंजर ढीले हो जाते हैं। तो ये तो एक सस्पेंशन है ओला की बाइक है, और अगर आप देखेंगे कि किसी और अनदर बाइक का भी एक्सीडेंट होता है तो सस्पेंशन क्या पूरी गाड़ी भी टूट जाती है।
ऐसा है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी हो इसके ओला के बारे में तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ ओला S1 Pro से रिलेटेड सारी वीडियो डाल रखी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।